आप भी कामयाब हो सकते हैं। रब्बे करीम ने आपके अंदर कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं रखी जिसको पूरा करने के लिए आपको सलाहियत ना दी हो। आप अपने हर ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं। अपने माजी में झांकें तो आपको मालूम होगा कि आपने जब कभी दिल से किसी चीज़ की ख्वाहिश की और फिर उसे हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की तो वो चीज़ आपने ज़रूर हासिल की होगी। आपको पैदा ही कामयाब होने के लिए किया गया है। अगर कोई फ़र्द आपको इससे मुख्तलिफ बात कहता है तो वो कायनात की सच्चाई से नाबलद है। मगर कामयाबी प्लेट में रखी नहीं मिलती, ये उनको मिलती है जो कायनात के असूलों पर अमल करते हैं। हर फर्द जो कामयाबी हासिल करना चाहता है यकीनन कामयाब हो सकता है, क्योंकि खुदा ने हर इंसान को कामयाब होने के लिए पैदा किया है, ना कि नाकाम होने के लिए। अरशाद रब्बानी है, हमने इंसान को बेहतरीन साखत पर पैदा किया है। इंसान खुदा का नायब खलीफा और वाइस राय है, तो क्या खुदा का नायब घटिया सलाहियतों का मालिक एक नाकाम इंसान है? ज़ाहिर है कि ऐसा नहीं। उसने हमें बेकार और बेमकसद तख्लीक नहीं फरमाया, बल्कि कामयाब होने और बेहतरीन काम करने के लिए दुनिया में भेजा है। खुदा ने हर इंसान को एक ख़ास मकसद के लिए पैदा फरमाया है। माहरीन नफ्सियात की रिसर्च से ये बात सामने आई है कि खुदा ने हर फर्द को बहुत सी सलाहियतों से नवाजा है, और हर फर्द को कम से कम एक ऐसी सलाहियत ज़रूर दी है जिसमें वो दूसरों से बेहतर होता है, और इस मुकर सलाहियत की वजह से वो कारनामे सर अंजाम देता है। कोई अछूता काम कर सकता है, हैरानकुन चीज़ें कर सकता है और कामयाब हो सकता है। आप दुनिया में मुनफरद और यकता हैं। दुनिया में कोई दूसरा फ़र्द हूबहू आपकी तरह का नहीं। अगरचे कुछ लोग आपकी तरह नज़र आएंगे, मगर कोई भी फ़र्द कोई चीज़ बिल्कुल आपकी तरह नहीं कर सकता। आपकी सोच मुनफरद है, आपका अमल व करदार मुख्तलिफ है। अहम तरीन बात यह है कि आपकी मुनफरद ज़हानत, काबिलियत, सलाहियत और हुनर इस इंतज़ार में है कि आप उन्हें अपने मुनफरद अंदाज में इस्तेमाल करें। आप अपने मुनफरद सलाहियत को पहचान कर और इसे इस्तेमाल में ला कर बेमिसाल कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप खुद बेहतर बने। आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीली चाहते हैं, अपने अंदर तब्दीली लाएं। अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें और हालात बेहतर हों तो सबसे पहले अपने आप को बेहतर बनाएं। ज़िंदगी में अजीम कामयाबियां हासिल करने के लिए आपको अजीम और एक स्पेशल इंसान बनना होगा। मौजूदा नफ्सियात की रोशनी में हर फर्द अपने तसव्वुर से ज़्यादा स्मार्ट और बेहतर है। आप अपने ख्याल से बहुत ज़्यादा काबिलियत, ज़हानत और सलाहियतों के मालिक हैं। बदकिस्मती से हम अपनी सलाहियतों को भरपूर अंदाज से इस्तेमाल नहीं करते। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक हम अपनी सलाहियतों का बामुश्किल 2 से 3% इस्तेमाल करते हैं। एक और रिसर्च के मुताबिक 2 से 5% इस्तेमाल करते हैं। चुनांचे आप अपनी सलाहियतों में बेपनाह इजाफा कर सकते हैं। अगर आप वो तमाम चीज़ें करें जिसके आप अहल हैं तो यकीन करें आप अपने कारनामों से दुनिया को हैरान कर सकते हैं। कामयाब लोग फोकल बशर नहीं होते और ना ही आम लोगों से 10 गुना ज़हीन, स्मार्ट और बासलाहियत होते हैं, बल्कि ये मेरी और आपकी तरह आम लोग ही होते हैं जो उस दर्जे की ज़हानत के मालिक होते हैं, मगर उनके अंदर कामयाबी की शदीद ख्वाहिश होती है। उनका कोई मकसद हयात और गोल होता है, उन्हें अपनी कामयाबी का यकीन होता है, उनकी सोच और रवैया मुस्बत होता है। ये लोग अपनी कामयाबी के लिए अपनी हर चीज़ दांव पर लगा देते हैं और साबित कदम रहते हैं। नफ्सियात का एक अहम असूल ये है, अगर दूसरे लोग कोई काम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अगर दूसरे लोग कामयाबी और खुशहाली हासिल कर सकते हैं तो यकीनन आप भी ऐसा कर सकते हैं। दुनिया में हर फर्द कामयाब और दौलतमंद हो सकता है, क्योंकि अमीर होना गरीब होने से ज़्यादा मुश्किल नहीं। दुनिया में तरक्की के मौके जितने आज हैं पहले कभी नहीं थे। 20वीं सदी की एक अहम दरियाफ्त ये है, आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं। ये बात जहन में रखें कि दुनिया में जितने भी कामयाब लोग गुजरे हैं, आप कम से कम एक शोबे में उनसे बेहतर होंगे। अगर वो एक फील्ड में कामयाब हुए तो आप किसी दूसरे में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि फितरी तौर पर आपको कम से कम एक फील्ड में आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए पैदा किया गया है। वैसे हर फर्द में अमूमन 3 से 5 सलाहियतें होती हैं जिनमें वो अरूज हासिल कर सकता है। अपनी ख़ास सलाहियत मालूम करें और फिर उस पर अरूज हासिल करके कामयाब हो जाएं। कामयाबी हासिल करने की कोशिश करने से पहले कामयाबी के असूलों को जानें। मालूम करें कि लोग किस तरह कामयाब हुए, उन्होंने कामयाब होने के लिए क्या कुछ किया,
फिर आप भी वही करें और कामयाबी तक साबित कदम रहें। कोशिश तर्क न करें। अगर आपने कामयाबी के असूलों के मुताबिक कामयाबी हासिल करने की जिद्दोजहद की तो ना सिर्फ आप कामयाब हो जाएंगे बल्कि कामयाबी का सालों में तय होने वाला सफ़र महीनों में तय कर लेंगे। हम आपको कामयाबी के असूल बताएंगे, उन पर अमल करके आप लाजमन कामयाब हो सकेंगे। तहम कामयाबी के असूलों को जानना काफ़ी नहीं, अगर आप उन पर अमल नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अपनी मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लें, उन हालात को बेहतर करें या फिर छोड़ दें। अल्ज़ाम तराशी और बहाने वगैरह से कुछ नहीं हासिल होगा। 99% अल्ज़ाम तराश नाकाम होते हैं। हालात को बदलने के लिए कुछ करें। अपनी ख़राब ज़िंदगी के बारे में नोहा करें और आहोजार ना करें बल्कि उठें और उसकी बेहतरी के लिए कुछ करें। अगर आप पहले से मुख्तलिफ नताइज चाहते हैं तो फिर पहले से कुछ मुख्तलिफ करें। कामयाबी के लिए आपको सिर्फ ये करना है कि वो काम करें जिससे पसंदीदा और मुस्बत नताइज हासिल हों। उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी पसंद का काम करें, क्योंकि नापसंदीदा काम करके कामयाबी का हसूल नामुमकिन नहीं तो बेहद मुश्किल ज़रूर है। या फिर ऐसा काम करें जिसमें आप बेहतर हैं। कामयाबी के असूल। दुनिया में कोई भी चीज़ हादसाती तौर पर मार्ज़ वजूद में नहीं आती, इसी तरह कामयाबी भी हादसाती तौर पर हासिल नहीं होती। इसके चंद मखसूस असूल हैं। जदीद नफ्सियात के मुताबिक कामयाबी एक साइंस है, ये कभी भी इत्तेफाकी तौर पर हासिल नहीं होती। कामयाबी एक सिस्टम है, इसके चंद बुनियादी असूल हैं। हर कामयाब फर्द शौरी या गैर शौरी तौर पर इन अफाकी कवानीन पर अमल करके कामयाबी हासिल करता है। दिलचस्प बात यह है कि अजीम कामयाबियां हासिल करने वाले अगरचे उन असूलों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं मगर उनमें से 91% इस बात से आगाह नहीं होते कि उन्होंने किन असूलों पर अमल करके कामयाबी हासिल की। यानी कामयाब लोगों को भी अपनी कामयाबी की वजूहात का इलम नहीं होता। वो ये तो बता सकते हैं उन्होंने क्या किया, लेकिन वो इस चीज़ की वजाहत नहीं कर सकते कि उन्होंने क्यों और कैसे किया। कुछ अरसा कबल मैं एक नहायत कामयाब सनतकार से मिला और उनसे उनकी कामयाबी का राज पूछा तो वो कोई खातिर ख्वाह जवाब ना दे सका। ताहम अगर आप कामयाबी के सफ़र पर रवाना होने से पहले कामयाबी के असूलों को जान ले तो फिर आपकी कामयाबी का सफ़र आसान और मुख्तसर हो जाएगा। बाज़ औक़ात बहुत हैरत होती है कि दो अफराद जो यकसा ज़हानत तालीम हुनर के मालिक हैं मगर उनमें से एक कामयाब है जबकि दूसरा नाकाम। बल्कि अक्सर औक़ात अदना तलीम और ज़हनी सलाहियतों का मालिक फ़र्द ज़्यादा बासलाहियत और ज़हीन फ़र्द से ज़्यादा कामयाब होता है। इसी तरह एक शख्स सख्त मेहनत के बावजूद नाकाम हो जाता है जबकि दूसरा थोड़ी सी मेहनत से कामयाब। दरअसल कामयाब फ़र्द कामयाबी के असूलों पर अमल करता है और कामयाब हो जाता है। जो फ़र्द भी कामयाबी के असूलों पर अमल करेगा वो ना सिर्फ लाजमन कामयाब होगा बल्कि वो कामयाबी का सालों में तय होने वाला सफ़र महीनों में तय कर लेगा। अब सवाल पैदा होता है कि कामयाबी के असूल क्या है। इस सिलसिले में बहुत से लोगों ने गौर व फिक्र और रिसर्च की। उनमें से बुनियादी काम एक अमरीकी नेपोलियन हिल ने किया। उसने 25 साल तक कम से कम 20,000 कामयाब और नाकाम लोगों का मुतालिया किया। फिर उसने अपनी रिसर्च को 1938 में एक अजीम किताब थिंक एंड ग्रो रिच में पेश किया। इस तरह दुनिया को पहली बार इलम हुआ कि कोई फ़र्द कामयाब क्यों होता है और नाकामी की वजूहात क्या है। कामयाबी के ये असूल ज़िंदगी के हर मैदान में यकसा मुअसर है। क्या कामयाबी का तल्लक आला तलीम आला डिग्री आला ज़हानत हुनर महारत सख्त मेहनत या किस्मत के साथ है। बदकिस्मती से ऐसा नहीं। मारूफ अमरीकी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड में इस मौजू पर बरसों रिसर्च हुई कि लोग कामयाब क्यों होते हैं। हार्वर्ड की तहकीक के मुताबिक कामयाबी और तरक्की में आला तलीम आला डिग्री जहानत महारत और हुनर का करदार सिर्फ 15% है जबकि मुस्बत रवैये का करदार 85% है। जर्नल एजुकेशन आपकी ज़िंदगी को संवार सकती है, एक अच्छा इंसान बना सकती है, आपकी मालूमात में इजाफा कर सकती है, आपको काबिल एहतराम बना सकती है, लेकिन आपको अमीर तरीन अफराद की सफ में खड़ा नहीं कर सकती। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक कामयाब ज़िंदगी में आला जहानत का कोई ख़ास करदार नहीं। आला जहानत आला ग्रेड अच्छे कॉलेज में दाखिला आला डिग्री तजर्बागाह में काम करने के लिए तो मावन हो सकती है
मगर ये कामयाबी की जमानत हरगज नहीं। ज़िंदगी में कामयाबी के लिए आला जहानत की बजाय समाजी जहानत का करदार बहुत अहम है। समाजी जहानत से मुराद लोगों से रवाबत और ताल्लुकात बनाने की सलाहियत है। इसी तरह आला तालीम या डिग्री भी शानदार मुस्तकबिल और माली खुशहाली की जमानत नहीं। दुनिया के सबसे बड़े मौजद एडिसन ने, जिसने 1000 से ज़ायद इजादात की, सिर्फ 3 माह स्कूल में तालीम हासिल की। मारूफ अमरीकी मुकर्रर मुसन्निफ और बिजनेसमैन ब्रायन ट्रेसी ने अंदाज़ा लगाया कि अमरीका में 50% कॉलेज ग्रेजुएट ऐसे लोगों के मुलाजिम हैं जिन्होंने मैट्रिक भी पास नहीं किया। एक अमरीकी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका के 4000 अमीर तरीन अफराद ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ मैट्रिक पास किया। हमारा तालीमी निज़ाम इलम और मालूमात तो फ्राहम करता है, मगर इस इलम को इस्तेमाल करना नहीं सिखाता, कामयाब ज़िंदगी के असूलों से आगाह नहीं करता। इसलिए एक माहर ने बहुत खूबसूरत बात कही कि हम अपने तालीमी वसाइल का 100% इन चीज़ों पर सर्फ करते हैं जिनका रोशन मुस्तकबिल और माली खुशहाली के साथ ताल्लुक सिर्फ 15% है। अप्रैल 2007 में एक सर्वे रिपोर्ट शाया हुई जिसमें दुनिया के 95,000 अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त थी। उनमें से एक भी PhD डॉक्टर नहीं था। जब तक इलम को इस्तेमाल ना किया जाए बेकार है। कामयाब खुशहाल और दौलतमंद लोग सिर्फ अपनी तालीम की वजह से कामयाब और अमीर नहीं होते। दुनिया के 10 अरब पति अफराद में से कोई भी ग्रेजुएट ना था। पूरी दुनिया में इस चीज़ पर जोर दिया जाता है कि बच्चा ज़्यादा नंबर हासिल करे, जबकि ज़्यादा नंबर कभी भी कामयाबी की जमानत नहीं होते। बदकिस्मती से कहीं भी बच्चों को कामयाबी के असूलों से आगाह नहीं किया जाता। हम एक स्कूल का मनसूबा बना रहे हैं जिसमें बच्चों को बेहतरीन तालबे इलम, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, अच्छा मुसलमान और एक कामयाब इंसान बनाया जाएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी का आला ग्रेड हासिल करने वाले प्रोफेसरों से भरी पड़ी है। उनमें से अक्सर अफराद ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा अपनी क्लास में टॉप किया, बल्कि पूरा आलम इस्लाम ज़हीन फतीन और आला ग्रेड हासिल करने वाले अफराद से भरा पड़ा है, मगर ये लाखों मिलकर भी वो काम नहीं कर सके जो औसत दर्जे की जहानत और ग्रेड वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने कर दिखाया। डॉक्टर साहब कभी हमेशा अव्वल आने वाले तलबा में से नहीं थे। आप मैट्रिक में फेल हुए, मगर उनके दिल में एक आग लगी हुई थी कि वो एटम बम बनाकर पाकिस्तान को महफूज करेंगे। इस तरह उस अकेले अजीम इंसान ने वो काम कर दिखाया जो सारे आलम इस्लाम के अफलातून न कर सके। अगरचे जहानत और आला तालीम खुशहाली और कामयाबी की जमानत नहीं, मगर उनकी मदद से कामयाबी का सालों का सफ़र महीनों में तय किया जाता है। चुनांचे जहानत और आला तालीम यकीनन तरक्की में बहुत मावन है। इस तरह बाज़ शोबे ऐसे हैं जहां आला नंबरों के बगैर दाखिला मुमकिन नहीं, मसलन डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, रिसर्च और आला तालीम वगैरह। वैसे भी कोई कौम साइंसदानों और माहरीन के बगैर तरक्की नहीं कर सकती, मगर सिर्फ आला तालीम से खुशहाली और कामयाबी हासिल नहीं होती। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियाँ आला तालीम याफ्ता और ज़हीन अफराद से भरी पड़ी हैं, मगर आज तक किसी एक PhD ने कोई काबिल ज़िक्र चीज़ ईजाद नहीं की। ज़रूरत इस अमर की है कि उन अफराद को कामयाबी के असूलों से आगाह किया जाए ताकि वो ना सिर्फ खुद कामयाब हों बल्कि अपने तलबा को भी कामयाबी के असूल बताएँ। मैं ऐसे अफराद को जानता हूँ जिन्होंने यूनिवर्सिटी में अव्वल पोजीशन हासिल की, मगर वो नाकामी और गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। सिर्फ आला तालीम और जहानत से बहुत ही कम लोग कामयाब और खुशहाल होते हैं। अक्सर लोगों का ख्याल है कि कामयाबी सिर्फ सख्त मेहनत से हासिल की जाती है, हालांकि मेहनती और नाकाम लोगों से दुनिया भरी पड़ी है जो गधों की तरह दिन रात काम करते हैं, दो मुलाजमतें करते हैं, मजदूर सारा दिन सख्त मेहनत और मशक्क़त करते हैं, मगर वो खुशहाली से कोसों दूर होते हैं। कामयाबी हासिल करने के लिए हमें अपनी सोच को कैसा बनाना होगा कि हमारा माइंड खुद ब खुद कामयाबी की तरफ दौड़ता चला जाए, ये हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे।